A very good o'clock to all the dear students. Students, yesterday we discussed about contour lines and their features. Today we will be discussing about how contour lines represent different features on the map. So today we are going to discuss some relief features, means which have height over the earth, jinka elevation hota hai earth ke upar, okay? Like the hills, mountains, plateaus, saddles, gaps, valleys, passes, okay? तो किस तरीके से कॉन्टोअर लाइन्स इन्हें मैप पर रिप्रेजेंट करती हैं, वी विल सी दैट पैटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कार्प स्लोप एंड द डिप स्लोप. ओके, कॉन्टोअर लाइन स्लोप दिखाती कैसे, इफ देयर इज अ स्कार्प स्लोप मींस स्टीप स्लोप है, बहुत ही हाई रेज्ड है, खड़ा स्लोप है, उसे कैसे दिखाती हैं. एंड डिप स्लोप मतलब जो डाउनवर्ड स्लोप है उसे कैसे दिखाती हैं. ओके, सो अ हाईलैंड दैट इज़ अ स्टीप स्लोप ऑन वन साइड एंड अ जेंटल स्लोप ऑन द अदर इज कॉल्ड एन एस्कार्पमेंट. अगर कोई ऐसा हाईलैंड है जिसके एक साइड पे स्टीप स्लोप है यानी कि ऊंचा है और अदर साइड पे जेंटल स्लोप है यानी कि डाउनवर्ड स्लोप है, तो दैट इज कॉल्ड एन एस्कार्पमेंट. उसे हम क्या कहते हैं, एस्कार्पमेंट. ओके, दिस वन इज एस्कार्पमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आप कॉन्टोअर लाइंस देख रहे हैं, दीज आर क्लोजली स्पेस्ड एट वन साइड. तो जहाँ पे ये क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ स्टीप स्लोप. ओके, वो एक स्टीप स्लोप यानी कि एकदम स्ट्रेट वर्टिकल लेंथ को दिखाता है, दैट इज़ शोन बाई स्पेस्ड कॉन्टोअर लाइन, और इसे हम स्कार्प स्लोप कहते हैं. ओके, जो एस्कार्पमेंट है वो दो टाइप के स्लोप से बना होता है, एक स्कार्प स्लोप और एक डिप स्लोप. स्कार्प स्लोप का मतलब होता है स्टीप स्लोप यानी कि ज़्यादा खड़ा हुआ, और डिप स्लोप का मतलब होता है डाउनवर्ड यानी कि जेंटलर स्लोप. ओके, सो जहाँ पे हमारी क्लोजली स्पेस्ड है दैट इज़ अ स्कार्प स्लोप, और जहाँ पे ये वाइडली स्पेस्ड है दैट इज़ अ डिप स्लोप. ओके, नाउ हिल्स एंड माउंटेन्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं. हिल्स एंड माउंटेन्स आर शोन बाई कॉन्टोअर लाइन दैट आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. एक के अंदर एक जो सर्कल्स होते हैं दैट आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनका सेम सेंटर होता है. तो इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टाइप के कॉन्टोअर पैटर्न से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है. और इनके जो पीक्स होते हैं यानी कि जो ऊँची चोटियाँ होती हैं, जो पीक पॉइंट होते हैं, दैट आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पॉट हाइट्स. उन्हें हम किसकी हेल्प से दिखाते हैं, स्पॉट हाइट्स. ये जो हाइट्स आप मैंशनड देख रहे हैं इनके बीच इंटरवल्स में, दीज आर नोन एज स्पॉट हाइट्स. इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉट हाइट्स. ठीक है, ये हमें दिखाती हैं द हाइट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई बिटवीन कॉन्टोअर लाइन्स. जो पॉइंट्स कॉन्टोअर लाइन्स के बीच में लाई करते हैं उनकी हाइट हमें शो करती है. नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ प्लेट्यू. प्लेट्यू कैसे दिखाया जाता है, प्लेट्यू हमें पता है दीज आर ब्रॉड हाईलैंड दैट राइज एब्रप्टली फ्रॉम सराउंडिंग लैंड, और इनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है. ठीक है, दीज आर लाइक फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स. ठीक है, इनकी हाइट ज़्यादा होती है बट इनके टॉप्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं. ओके, सो ऑन टोपो शीट्स दे आर शोन बाई इवनली स्पेस्ड कॉन्टोअर लाइन्स. इनके बीच में आप देख रहे हैं स्पेस बहुत इवन है, 200, 150, 150, विच मीन्स दैट 50-50 का गैप है. ओके, 50-50 मीटर का गैप है. सो इट इज़ एन इवनली स्प्रेड कॉन्टोअर लाइन सराउंडिंग एन एरिया विद नो लाइन्स और हार्डली एनी लाइन्स. इसमें कोई भी ऐसी लाइन्स आपको नहीं दिखाई देंगी, जो क्या सिग्निफाई करता है कि इसका टॉप जो है वो रादर फ्लैट है. ओके, नाउ क्लिफ्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ रियल क्लिफ. ये एक क्लिफ है. ओके, दीज आर फाउंड शोर की साइड पर, सी शोर की साइड पर ये चट्टान है, दी पीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो एकदम खड़े स्लोप में होते हैं. ओके, आप इसका स्लोप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल, एकदम सीधे खड़े हुए होते हैं. एंड बिसाइड्स अ शोर, सी शोर. ठीक है, सी कोस्ट पर. तो दीज आर वेरी स्टीप ऑलमोस्ट वर्टिकल रॉक फेसेज दैट आर यूजली फाउंड अलोंग हाईलैंड्स ऑफ सी कोस्ट. तो इनकी कॉन्टोअर लाइन्स क्या होती हैं, वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत पास पास होती हैं, जो आप ये देख रहे हैं. ओके, एंड समटाइम्स दे फॉर्म मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल लाइन. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी कॉन्टोअर लाइन्स मिलकर एक सिंगल लाइन तक बना दे रही हैं. ओके, सो दिस शोज अस दैट इट इज़ ऑलमोस्ट अ वर्टिकल स्लोप, एकदम स्टीप खड़ा स्लोप है. ओके, नाउ व्हाट आर रिजेस. रिजेस क्या होते हैं, सो रिजेस आर लॉन्ग नैरो कंटिन्यूस एरियाज ऑफ हाईलैंड. लॉन्ग नैरो एंड कंटिन्यूस एरियाज ऑफ हाईलैंड्स, जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, लॉन्ग है यानी कि एक रेंज में है, नैरो बहुत पतले हैं, और कंटिन्यूस एरिया ऑफ हाईलैंड्स होते हैं. ठीक है, जो माउंटेन रेंजेस एक लाइन में होते हैं और नैरो होते हैं, बहुत ही कम स्पेस्ड होते हैं, पीक्स और हिल्स होती हैं मेनली, तो दैट फॉर्म अ रिज. ओके, इसमें यह है कि ऊपर की साइड पे बहुत कम स्पेस होता है और दोनों ही साइड पर स्टीप स्लोप होता है. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही साइड पर स्टीप स्लोप होता है. ओके,
सो द कॉन्टूवर्स फॉर्म बाई अ रिज आर लॉन्ग नैरो एंड एलिप्टिकल इन शेप. तो इसके जो कॉन्टूवर लाइन्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो यानी पतले होते हैं और एलिप्टिकल शेप के होते हैं. ओके, क्योंकि दोनों ही साइड पर ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों साइड पर स्टीप स्लोप है. यहाँ भी क्लोजली स्पेस्ड है और यहाँ पर भी क्लोजली स्पेस्ड है, इससे हमें पता चलता है कि दोनों साइड ही स्टीप स्लोप है और जो इनके बीच का कम गैप है वो हमें दिखाता है कि ये एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है. ओके, कमिंग टू स्पर्स. स्पर्स क्या होते हैं? दीज आर पीसेज ऑफ हार्ड रॉक दैट प्रोट्रूड इनटू रिवर वैली. दे फॉर्म एन इंटरलॉकिंग पैटर्न विद द रिवर मेंडरिंग अराउंड देम. दे ऑफन सेपरेट वन वैली फ्रॉम दी अदर. ये क्या रिवर वैलीज में खड़े हुए रॉक के पीसेज होते हैं. ओके, हार्ड रॉक्स होती हैं जो कि रिवर वैलीज में खड़ी होती हैं, जो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में होते हैं, एक दूसरे को लॉक करते हुए पैटर्न में होते हैं और ये रिवर को एक एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक घुमाव प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, दे ऑफन सेपरेट वन वैली फ्रॉम अनदर, और एक रिवर वैली को दूसरे रिवर वैली से सेपरेट करते हैं, यानी हम कहते हैं स्पर्स. ओके, अब हम देखते हैं ये एक फ़ोटो है स्पर का, स्पर प्रोट्रूडिंग इनटू अ रिवर वैली. आप देख सकते हैं किस तरीके से है ये. ओके, इन्हीं के घुमाव से नदियाँ मुड़ती हैं. ओके, दी इनके कॉन्टोवर कैसे होते हैं? वी शेप्ड होते हैं, विद द एपेक्स ऑफ वी पॉइंटिंग टुवर्ड्स लोअर एलिवेशन. स्पर का जो एपेक्स होता है वो लोअर एलिवेशन को दिखाता है, नीचे की तरफ के एलिवेशन को दिखाता है. ठीक है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम है. नाउ कमिंग टू द वैलीज. वैलीज वी ऑलरेडी नो वी शेप लो लैंड्स होते हैं, बिटवीन टू हाईलैंड्स, दो हाईलैंड्स के बीच में वी शेप लो लैंड्स होते हैं वैलीज. ओके, और इनका भी जो कॉन्टोवर लाइन्स होते हैं वो वी शेप्ड होती हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स हायर एलिवेशन. ये देखिए अब वी वैली का जो कॉन्टोअर लाइन्स है वो हायर एलिवेशन को दिखाता है. ओके, नाउ व्हाट आर पासेस. पासेस क्या होते हैं? दीज आर लो पॉइंट्स और ओपनिंग्स बिटवीन टू पीक्स. एक माउंटेन में दो पीक्स के बीच में जो स्पेस होता है, पास होता है, निकलने की जगह होती है, उसे हम कहते हैं पासेस. ओके, सो दीज प्रोवाइड अ पैसेज अक्रॉस दी माउंटेन रेंज. माउंटेन रेंजेस के बीच में निकलने की जगह प्रोवाइड करते हैं. ओके, ये इसको दिखाया कैसे जाता है? दीज आर शोन बाई एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन टू क्लोज कॉन्टोअर लाइन दैट रिप्रेजेंट पीक. ये दो कॉन्टोअर लाइन्स हैं जो पीक्स दिखा रही हैं. ओके, इनके बीच में, सॉरी दिस वन, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो हमें दिखाता है कि पास है, यानी कि यहाँ पे एक गैप है जिससे हम निकल सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ अ कोल. कोल क्या होते हैं? डिप्स होते हैं इन द समिट लाइन ऑफ माउंटेन्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं दो समिट्स हैं, ये माउंट एवरेस्ट है और ये लॉट्से है. ठीक है, दो समिट यानी पीक्स हैं, इनके बीच में ये जो डाउन स्लोप है, ये जो डिप्रेशन वाली जगह है, दैट इज़ अ कोल. ओके, इट इज़ वन ऑफ द फाइन, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया माउंट एवरेस्ट और लॉट्से के बीच में साउथ कोल करके एक जगह है, एक दो पीक्स के बीच में एक नीची जगह. ओके, ये माउंटेनियर्स का लास्ट कैंप होती है जो एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं. ओके, लास्ट टू फीचर्स आर सैडल एंड गैप. सैडल क्या होते हैं? डिप और लो पॉइंट्स बिटवीन टू समिट्स, जैसा कि आपने वो देखा कोल, इसी तरीके से सैडल होते हैं. ठीक है, सैडल जो है वो दो समिट पॉइंट्स के बीच में गैप्स होते हैं, डिप्स होते हैं यानी लो पॉइंट्स होते हैं. ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दो पीक्स हैं, इनके बीच का जो छोटा पॉइंट है वो है एक सैडल, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इसके दोनों साइड जो हैं अपर ग्राउंड होता है, उठा हुआ ग्राउंड होता है. ओके, दोपो शीट पर ये आवर ग्लास जैसे दिखते हैं, ये जो आप शेप देख रहे हैं आवर ग्लास जैसी है, जो सैंड वाला ग्लास होता है जिससे हम आवर मेजर करते हैं वो. और गैप्स क्या होते हैं? लो एरियाज़ बिटवीन टू माउंटेंस, दो माउंटेंस के बीच के लो एरियाज़, ये दो माउंटेन शो हो रहे हैं और यहाँ पे है हमारा गैप. ओके, सो दीज आर शोन इन सम केसेस. ये जो गैप्स होते हैं इनके थ्रू रिवर्स फ्लो कर जाती है, गैप पास की तरह ही होता है, सिमिलर होता है. ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू.